मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने के बावजूद भी कांग्रेसियों में एकजुटता नहीं है, जिसका नमूना गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही बैठक के दौरान देखने को मिला, जहां बैठक के दौरान ही कांग्रेसी आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे तक चले। और यह लात घूंसे किसी और ने नहीं बल्कि जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे ने चलाए। कैलाश मिश्रा के बेटे ने पूर्व महापौर विभा पटेल के समर्थक धर्मेंद्र राय को लात घूंसों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, बैठक में मौजूद कांग्रेस के कई सीनियर और दिग्गज नेता तमाशबीन होकर देखते रहे। बाहर आ रही है, कुछ मीडिया के साथी भी थे, उन्होंने भी स्थिति स्पष्ट की है, कहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अति उत्साह में है, हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि बंद में मैं आगे बढ़कर के सहयोग करूं। विवाद इस बात को लेकर के था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होना चाहते थे इस बंद में। हमारा आह्वान था कि किसी तरह की कहीं कोई हिंसा का वातावरण न बने, अहिंसा के द्वारा आह्वान किया जाए कि बंद का समर्थन हो। सारे व्यापारी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, और इस बंद का जो कि महंगाई के खिलाफ है, पेट्रोल डीजल के खिलाफ है, हिंदुस्तान में महिलाओं की रसोई का सामान महंगा हो रहा है उसके खिलाफ है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अति उत्साहित है और हर बाजार मोहल्ले गली की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और इस उत्साह के साथ हम कल बंद का आह्वान करने जा रहे हैं और 20 तारीख को हमारा बंद सफल हो। हिंसा जैसी कोई बात नहीं, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाह रहा है। इस तरह की घटना हिंसा में नहीं आती है, ये अपना आपसी विवाद था जिसे कि हम हिंसा नहीं कह सकते, ये सिर्फ जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए अति उत्साह कहा जा सकता है। कांग्रेस ने एकजुट होकर के विधानसभा में प्रदर्शन किया, आपने देखा कि परिणाम हमारे साथ आए। अभी नगरीय निकायों में भी कांग्रेस एकजुटता के साथ प्रदर्शन करेगी, और जो हालत पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की हुई है उससे भी बदतर हालत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। 20 तारीख को भोपाल बंद है सुबह से लेकर 2 बजे तक। उसी संबंध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है और सभी विधानसभा भाई जिम्मेदारी दी गई है और अपने अपने लोगों की पूरी सूची दी गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ बंद कराएंगे। एरिया वाइज सबके नाम मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं वो उसकी वॉचिंग करेंगे और 20 तारीख को भोपाल पूरी तरह से बंद रहेगा। ये बच्चे हैं, आपस में कोई बात नहीं, कुछ एक दो बच्चों में थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग साथ हैं, पूरी कांग्रेस एक साथ नहीं किया। मीडिया को मैंने पहले भी बयान दिया था, अभी भी दिया और अभी भी दे रहा हूं, और जहां आप कहेंगे वहां बयान दूंगा। इस तरह से मीडिया को हम कभी अलग नहीं करते, मीठा मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, उसके बगैर हमारे। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।